न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। भीमा कोरेगांव केस में आरोपी गौतम नवलखा हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे। पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए सोशल एक्टिविस्ट गौतम नवलखा पर बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक नवलखा कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे। पुणे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। इस रिपोर्ट में नवलखा के आतंकियों के साथ सीधे संबंध बताए गए हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि गौतम नवलखा को पुलिस कस्टडी में रखा जाए। पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, फिलहाल कई बातों से पर्दा उठना बाकी है, इसलिए नवलखा पुलिस की कस्टडी में रखा जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ऐसा आदेश तक नवलखा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि गौतम नवलखा की हिजबुल कमांडर से भी मुलाकात हुई थी। बताया गया है कि नवलखा ने परवेज खान को माओवादी कमांडर से मिलने भेजा था। पिछले साल अरबन नक्सल का मामला काफी उठा था। ये नाम तब सामने आए थे जब अचानक 5 जाने माने सोशल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बेनान गोंसाल्विच, अरुण फेरेरा, सुधा भरद्वाज, वरवर राव और गौतम नवलखा जैसे लोग शामिल थे। इन लोगों की गिरफ्तारी पर सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। पुणे में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद जमकर बवाल हुआ था। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार की खूब आलोचना की थी। आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।